उमैर राना साहब, आपकी अगर हम बात करें तो मज़े के सवाल आप वो सारे आपके हिस्से में आने 2024 में आप हमें ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करते हुए नज़र नहीं आया, शायद हमने नहीं देखे, मेरी नज़र से नहीं गुजरे। उसकी क्या कोई खास वजह? मैं थक गया था। अच्छा, तो आपने ब्रेक 2023 में इतना थके कि सर्जरी करा ली है मैंने। अच्छा, बट आई गॉट लिटिल टायर्ड फ्रैंकली, और एक पार्शियली डिलिबरेट भी था एंड पार्शियली सर्कमस्टेंशियल भी था। आई हैव डन सम प्रोजेक्ट्स, अब एक दो हैं जो कि शेल्फ पे हैं, इट हैजंट बीन एयर्ड। अच्छा, प्रोजेक्ट को क्या देख के आप हाँ करते हैं? क्या चीज उसमें बहुत जरूरी है? कंटेंट, डायरेक्टर एंड खूबसूरत है, हां एग्जैक्टली, क्या है वो मैटर करता है। और फिर कहीं ना कहीं क्या इंसेंटिव ये भी होता है कि अच्छे पैसे मिल रहे हैं? ऑफ कोर्स, आई मीन पैसा डज बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज़ किचन तो चलाना है। अच्छा, अवार्ड शोज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जवाब काफी नहीं है। अवार्ड शोज आर अ मार्केटिंग एक्टिविटी बेसिकली, तो अगर आप इसको प्योर बिजनेस सेंस में समझें, आप ये ना समझें जो लेमैन समझ रहा होगा कि वो अच्छा वाकई समवन डिजर्व्स दिस अवार्ड तो लिहाजा उनको वो मिलेगा, जरूरी नहीं। उनका प्राइमरी मोटिव होता है मार्केटिंग एक्टिविटी, इसको हम वी मेक मनी आउट ऑफ इट एंड वी यूज दिस प्लेटफॉर्म टू प्रमोट। उज़मा कारदार साहब, इंटरेस्टिंग सवाल आपसे भी मैं पूछ रही हूँ। कोई ऐसे 3 पॉलिटिशियंस के नाम बताइए जिनको आप समझती हैं कि हम बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड दे सकते हैं। 3 बेस्ट एक्टर्स जो पॉलिटिशियंस हैं, देखो इतने अच्छे अदाकार हैं कि उनको आप अवार्ड देना चाहेंगी बेस्ट एक्टर का। एक तो नंबर 1 शेख रशीद, अल्लाह माफी, वो तो वन मैन शो है ही मीडिया की वजह से। आगे मीडिया पे ऐसी बड़के मारेंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे कि पूरा मीडिया जो है ना 2 दिन उसी के पीछे भागता रहेगा। ओके जी, शेख साहब हो गए। दूसरा अवार्ड बेहतरीन अदाकार, दूसरा तो फिर बानी साहब को देना पड़ेगा। बानी साहब भी बड़े फनकार हैं, हो ऐसा बयानियां डालते हैं कि फिर जनाब, मतलब होता वो सारा इमेजिनरी होता है, उसमें सच का आंसर बहुत कम होगा, लेकिन सारों को वो अपने पाइड पाइपर की तरह पीछे लगा लेते हैं। तो एक फनकार ही ऐसे कर सकता है ना, आम इंसान तो नहीं कर सकता है कि वो झूठ को भी सच बना के पेश करे और लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, नंबर 2 तो उनको गया। उनको नंबर 3, सारे पॉलिटिशियंस थोड़े थोड़े फनकार होते हैं। क्या नून लीग में भी ऐसे फनकार मौजूद हैं? मेरे ख्याल में तलाल चौधरी को ले लें। तलाल चौधरी साहब समझती हैं, काफी सेंसेशनल किस्म की कहानियां उनकी होती रहती हैं। ओके जी, तलाल चौधरी साहब जो है वो नून लीग से आपको अच्छे एक्टर रखते हैं। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है जी, हाँ मत समेत, आई एम श्योर आप लोग भी परेशान होंगे, हमारे आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। बिल कितना आया है दोनों का, बिजली का? हाँ, मैं नहीं बता रहा, नजर लग जाएगी। हम जानना चाहते हैं आपका। मैं नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं बता रहा, नजर लग जाएगी। बात सारी मुझे लगता है ये फिगर 1 लाख से ऊपर में कहीं है। इनको मैं मशवरा दूंगी कि थोड़ा से पैसे जमा करें अपने और सोलर लगवा लें। इसलिए तो नहीं बता रहा क्यों लगवाया मैं। ये तो इसका मतलब है माइनस मीटरिंग पे जा रहे हैं, प्रोग्राम शुरू हुआ है। अच्छा, उमैर राना साहब, दिलचस्पी है क्या सियासत से? क्या कभी टॉक शो देखते हैं? अगर टीवी पे लगा हो या नहीं, फॉरेन से चैनल बदल देते हैं। टॉक शोज में कम देखता हूँ बिकॉज़ इसका मतलब हमें कभी देखते ही नहीं। ये बहुत ज्यादा है भाई, टॉक शोज कम देखता हूँ, बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी पॉलिटिकल, आई हैव ऑलवेज बीन पॉलिटिकल, बेशक रीजनल हो, लोकल हो, इंटरनेशनल हो, आई एम वेरी पॉलिटिकल। मैंने बहुत लोगों की कैंपेनिंग की है कि लोग वोट डालें, जिसको मर्जी डालें, लेकिन डालें। मैं और मेरी बेगम वी वेंट डोर टू डोर कि आप वोट डालें। और कैंपेन की प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड्स थे, डेटा था। आप नाम बताना चाहेंगे कि किस पार्टी के लिए? पार्टी, इट वाज प्रो वोटिंग। आई थिंक ये एक कौमी फरीजा था जो उन्होंने पूरा किया। उज़मा जी, आप सियासत के अलावा और क्या करती हैं? क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी दिन भर की, और फिर हॉबीज क्या हैं? आई एम अ सीजन ट्रैवलर, आई लव ट्रैवलिंग। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। यू गेट, आपको परसेप्शन, आपको पता लगता है कि और दुनिया में लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह रहते हैं, क्या सिस्टम्स हैं उनके। एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो ये मेरे शौक में, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई तो वो तो चल ही रही है सारी। उमैर राना साहब, आपके वालिद साहब का ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका भी बहुत ज़बरदस्त है, आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल होगा आई एम श्योर। क्या जुगत! मुझे याद है वालिद साहब मेरे बॉर्न अगेन मुस्लिम और हम लोग दुबई आना जाना था, दुबई वालिद साहब मेरे होते थे तो वी यूज्ड टू गो। तो अम्मी गई, उन्होंने एक जूता कुछ पसंद किया, फिर शी मूव्ड ऑन। अबू ने फिर बुलाया एक लड़की को, ने कहा एक अटेंडेंट आई प्रॉब्ली इंडियन, तो उन्होंने कहा यस हाउ कैन आई हेल्प यू। तो अबू ने जूते के सामने देख के कहते हैं यस इज दिस हलाल। अब यूए में बैठे मैं परेशान, ये राणा साहब क्यों हो गया। हाँ। वो भी परेशान, सॉरी इज दिस हलाल, दिस लेदर इज दिस हलाल, यू नो बिकॉज वी आर मुस्लिम्स वी कैन नॉट। अब वो परेशान होना शुरू हो गई। थोड़ी देर मुझे भी इस पर तरस आया। मैंने कहा आप हिंदी उर्दू बोल लेती हैं? जी जी ऑफ कोर्स। मैं कहा देखिए जी हम मुसलमान हैं। जी जी तो मुसलमान सिर्फ हलाल खा सकते हैं। जी तो मेरी वालदा को जूती पसंद आ गई। हाँ तो अगर मेरे वालिद को एक खानी पड़ गया तो इसलिए पूछ रहे कि हलाल है कि अब अच्छा पता। तो हमारा इस तरह का रिश्ता भी है और वो जुगत भी चलती है। उस्मान जी, खाना पकाने का शौक है या बस खाने का कि अच्छा खाना हो खा लूं दैट्स इट? तो ख्वातीन को थोड़ा होता है कि यार किचन में ना ही जाएं यार, मतलब कौन काटे सब्जी, प्याज काटे, वो आंखों से आंसू आए, ये क्या आपके साथ कुछ ऐसा है? बस आउट ऑफ कोर्स सवाल मुझसे ही पूछने आपको मैं मजे की कहानी सुनाऊं। एक बड़े चैनल की वो आई हैं एंकर, उन्होंने कहा जी ईद के दिन आप क्या करते हैं, हमने आपको करना है। तो मैं कहा आ जाएं। हाँ जी। सबसे पहले किचन में गई, वो ऊपर हांडी रख दी और कहा कि ये इसमें ये सालन है तो इसमें आप ऐसे ऐसे करके चम्मच फेरें और हम आपसे सवाल पूछेंगे। मैं कहा पूछो। अब वो प्रोग्राम हमारे एक दोस्त, पुराने दोस्त देखते तो फोन करते हैं क्यों नेशनल नेटवर्क पर बैठ के झूठ बोली जा रही है। To tell you very frankly, I can't cook to save my life. Okay. Fry अंडा बहुत अच्छा आता है। हाँ, best fry अंडा in the world I can make. ठीक है? Wow. बोलो, ऐसे लगता है fried egg खाना आगे नहीं। मौला ना मारते, मौला नहीं मरता। मतलब देख कुछ मौला दे ना दा। कितनी अनएथिकल हरकत है ना। हम इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, बगैर बताया आप अंदर आ गए हैं चलते शो में। ओए मुटियारे, तेनू पिछले शो च भी किया सी। तेरा कोई राह डके ते धुप सड़ी अल मूंह करके इको आवाज देनी है मौलिया ते जट तेरे सिर ते पहुंचेगा, ते तू सानू आवाज ही नहीं देती। नहीं, मुझे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई इस तरह से सामना नहीं करना पड़ा, इस तरह के इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हो। वैसे मैं अपने पास पेपर स्प्रे रखती हूँ आप जैसे लोगों की आंखों में मारने के लिए। जट नू वैशी ना कर मुटियारे, अपनी लत वड़ के अपने हथी मेरे सामने रख दे। जट कोलो बचन दी आखिरी सूरत ही। क्या कर रहे हैं? हमारे बहुत प्रेस्टीजियस गेस्ट हैं। गेस्ट ने तो मैं कड़ा तुहाडा पिया ना। बताएं आप चाहते क्या है? मदद चाहता हूँ। What मदद? हेल्प चाहता हूँ। केड़ी हेल्प चाहते हो? राणा साहब जिन्हें भी खुले पैसे ने दे उते रख दियो। राणा साहब अपना भी गंडासा लेके आए। राणा साहब फैसल कुरैशी, अदनान सदीकी तुहाडे नालों बुजुर्ग ने। तुसी उन्हां बुजुर्गां दी उम्र दा लिहाज रखिया करो ते काली मेहंदी लाया करो। तुसी ते इंज जिवें शबाना आज़मी नू मुतासर करन तो रहे हो। उन्होंने पूछो ए काले क्यों करते हैं? अगर तुसी कहो तो ताड़े सेट दे मौला जट जाले भी साफ कर सकते।